ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन को जमीन देने वाले किसान अब पटरी पर उतर आए हैं और निर्माण कार्य को रोकते हुए शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसमें हजारों किसानों की भूमि अधिग्रहित कर ली गई है, जिसके बदले में नौकरी देने का रेलवे द्वारा वादा किया गया था तथा रेलवे द्वारा नियुक्ति की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें सूची 1605 तक की नियुक्ति कर दी गई है। शेष नियुक्ति की प्रक्रिया 2 वर्षों से लंबित है। उक्त मामले के संबंध में पूर्व में की गई घोषणा के तहत अनिश्चितकालीन अनशन के साथ रेलवे के निर्माणाधीन कार्य को शांतिपूर्ण तरीके से अवरुद्ध करा दिया गया है। स्थानीय रेल प्रशासन से शीघ्र अतिशीघ्र नियुक्ति दिलाने के बाद ही कार्य को पुनः शुरू करने की चेतावनी किसानों के द्वारा दी गई है। प्रदर्शन रीवा जिले के गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन के पास किया जा रहा है। नहीं तो सर, ये बताइए कि हमारी इतनी है, हमारी जमीन है, प्रशासन ने जमीन ली, जमीन के बदले नौकरी देने की बात की, नौकरी देने की बात की, भाई आप वो तो वादा, शासन का वादा खिलाफ रेल चलेगी तो किसानों को क्या मिलेगा। चार चार सांसद संसद में उठाए मुद्दा, फिर भी माने कोई शासन के तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हम लोगों के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, अनिश्चितकालीन चलेगा, अभी तो काम न तो प्रशासन सुन रहा है। किसके नेतृत्व में चल रहा है ये सामूहिक और कुमार कपिलधर सिंह जी के नेतृत्व में चल रहा है और किसान किसान संगठन और किसान संगठन किसान संगठन कर रहा था। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एक है, एक है, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, हमारी मां बाहर से आए हैं जी। हम ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें शामिल होने के लिए हम आए हैं। हम उच्च आदर्शों का पालन करते हुए आंदोलन करेंगे और यह आंदोलन अनिश्चितकालीन चलेगा। यह आंदोलन थमने वाला नहीं है। ये वादा खिलाफी सरकार जो वादा की थी नौकरी देने के लिए, वो पीछे हट रही है, मुकर रही है। अब ये 5 साल पूरे हो गए उसके शासनकाल, कुल मिलाकर के 15 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब उसको आगे बिल्कुल नहीं चलने देंगे। आगे 2023 का चुनाव है। अब ये चुनाव में ये जो कर रहा है मध्य प्रदेश सरकार, ये चिर निद्रा में सो रहा है। ये क्या कर रहा है ना कि 15 साल इधर व्यतीत हो गया, अब ये समावेश आगे 29 में ले जाना चाहता है, तो अब जाने नहीं देंगे 23 से 29 की ओर। और केंद्र सरकार जो तो 47 का प्रलोभन दे रही है कि हम 47 तक सरकार हमारी चलने दो, चलेगी, अब जनता माफ नहीं करेगी। राजीव गांधी ठीक कहे थे कि 100 पैसे वहां से भेजते हैं तो 15 पैसे विकास के लिए पहुंचता है, 85 पैसे यहां बीच में बंदरबांट हो जाता है। तो अब कांग्रेस सरकार को मौका दिया जाएगा और ये जो वादा खिलाफी सरकार है इसको जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। इसमें रेलवे विभाग ने हम किसानों के साथ वादा खिलाफी किया है। इसमें कमिटमेंट था किसान सरकार के द्वारा कि हर जिस किसान की भी जमीन अंश भाग भी फंसेगी उसे हम नौकरी देंगे। उसमें से कुछ कृषकों के बच्चों को तो नौकरी मिल गई, कुछ कृषकों के माने लगभग 50% कृषकों के बच्चों को नहीं मिली। और इसी उद्देश्य से हम लोगों ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया था और आज शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग कार्य को रोक कर अपना अनशन कर रहे हैं।
मैं देवेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व सरपंच वासा। जब तक शासन और रेल विभाग द्वारा हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दी जाएगी, जब तक अभी तो कुछ नहीं मिल रहा, तभी ना हम लोग मजबूर हो के ये आज ये धरना प्रदर्शन में आए हैं।